और स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी सूचना आज उनका मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आया, जहां पर मारपीट की पुष्टि हुई थी, उनके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे। तो स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता को हिरासत में लिया गया, लगातार विभव कुमार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और इसे देखते हुए अब दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है और विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। बताते चले कि आज ही मेडिकल रिपोर्ट सामने आए थे स्वाति मालीवाल के, और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस की ओर से। तो स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने के आरोप में विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में कस्टडी में लिया है। अब विभव कुमार से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। देखना है कि आगे ये मामला कौन सा मोड़ लेता है। लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से इसे लेकर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कभी विभव कुमार का विरोध किया गया तो कभी कुछ नेता विभव कुमार के समर्थन में भी बोलते हुए नजर आए। योगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, बड़ी खबर, विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है, क्या प्रोसीजर चल रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है कि जिस तरह से बकायदा स्वाति मालीवाल के द्वारा दिल्ली पुलिस के सामने एक केस रजिस्टर्ड कराया गया था, उसी मामले पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। और हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद पूछताछ की तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद विभव गिरफ्तार भी किया जा सका है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से विभव कुमार पर आरोप लगे थे, आरोप बेहद और इन्हीं विस्तार से तफ्तीश की गई और आज आखिरकार विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। और थोड़ी देर के बाद इस मामले में जी शंकर, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसमें इस बात का खुलासा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक शंकर? फिलहाल कनेक्शन कट गया है शंकर से, कोशिश करेंगे दोबारा से जुड़ेंगे तो उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे, क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद है और लगातार पुलिस क्या एक्शन ले रही है उस पर भी नजर बना रखेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर मारपीट के आरोप लगे, जिसके बाद से लगातार राजनीति गर्म है। राष्ट्रीय राजधानी की गर्मी अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद अब लग रहा है ऐसा कि विभव कुमार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तस्वीरें लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर यह सब कुछ हुआ, सीएम आवास में मारपीट के आरोप लगाए गए स्वाति मालीवाल की ओर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को अब पूरे मामले पर हिरासत में लिया गया है। स्वाति मालीवाल मामले में एक नया वीडियो भी सामने आया, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन ले लिया है। तो एक वीडियो भी सामने आया था स्वाति मालीवाल केस से जुड़ा हुआ, सीसीटीवी फुटेज, जहां पर स्वाति मालीवाल तेजी से सीएम हाउस से बाहर निकलती हुई नजर आई। एक महिला सुरक्षाकर्मी उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर लेकर जा रही थी, और इसी दौरान तीन और सुरक्षाकर्मी भी नजर आ रहे थे। वो वीडियो भी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उस वीडियो में कितनी सच्चाई है, वहां पर क्या हुआ था, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वाति मालीवाल बेहद गुस्से में नजर आ रही हैं। ये देखिए, इसी वीडियो की हम बात कर रहे थे, जो वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है। इस वीडियो में दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल तेजी से सीएम हाउस से बाहर निकलती नजर आ रही हैं। एक महिला सुरक्षाकर्मी उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाती है, हल्का सा धक्का भी वहां पर दिया जाता है। एक और महिला सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंचती है और इसके साथ तीन और सुरक्षाकर्मी भी बाहर ही नजर आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल की तस्वीर, जहां पर सीएम हाउस के तरफ इशारा करते हुए स्वाति मालीवाल कुछ बोल रही हैं पुलिस के अधिकारियों से, गुस्से में नजर आ रही हैं वो। और आज जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आया है, तो मेडिकल रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट भी हुई है। शंकर आनंद हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शंकर, मेरी आवाज पहुंच रही है ठीक से? जी निश्चित तौर पर। देखिए, कह सकता है कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल के द्वारा जो एक
दिल्ली पुलिस को 13 तारीख को एक आने के बाद जिस तरह से इस मामले में बाद में दिल्ली पुलिस के द्वारा FIR रजिस्टर किया गया और FIR रजिस्टर करने के बाद विभव कुमार को तलाशा भी जा रहा था। विभव कुमार के आवास पर दो बार दिल्ली पुलिस जा चुकी है लेकिन उस वक्त में विभव कुमार अपने आवास में मौजूद नहीं थे और उसके बाद इस मामले में जानकारी मिली कि विभव कुमार मुख्यमंत्री आवास के अंदर है और मुख्यमंत्री आवास के अंदर आकर के उसके बाद आज दिल्ली पुलिस द्वारा विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है और अभी पूछताछ की जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया जाएगा। हो सकता है कि इस तमाम मामलों के बाद विभव कुमार को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बिल्कुल शंकर, गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आया उसे देखकर यही लग रहा है कि विभव कुमार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। स्टैंड क्या है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इससे पहले कुछ नेता जहां इनका वहां पर विरोध कर रहे थे तो वहीं कुछ नेता समर्थन में भी थे। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में विभव कुमार के साथ साथ और कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि इस मामले में कई लोगों का जो बयान है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा रजिस्टर किया जाएगा और उसके बाद इस मामले में कई लोगों से पूछताछ होगी। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि आज जो है थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर विभव कुमार की गिरफ्तारी की पुष्टि भी जी। शंकर, जांच किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है? तो शंकर सहयोगी लगातार दिल्ली से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं विभव कुमार को जब हिरासत में लेकर पुलिस आगे की ओर बढ़ रही है। आपको बताते चले कि जब जमानत पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे उस दौरान भी विभव कुमार उनके साथ नजर आए थे और इस तस्वीर को देखकर भी जमकर विरोध हुआ था। विपक्षी दल जो थे वो इसे लेकर सवाल भी खड़े कर रहे थे कि जिस शख्स पर महिला को प्रताड़ित करने मारपीट के आरोप लगे हैं उस शख्स के साथ भला दिल्ली के सीएम क्या कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का स्टैंड अब पूरे मामले पर क्या है ये समझना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा।